हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलूँगा बड़े डोंगर में स्थित माई दंतेश्वरी का मंदिर। दोस्तों, राजधानी रायपुर से NH-30 पर फरस गांव की दूरी 195 किलोमीटर पड़ेगी तथा जगदलपुर से करीब 100 किलोमीटर और फरस गांव से 16 किलोमीटर की दूरी पर बड़े डोंगर ग्राम में स्थित है माई दंतेश्वरी का मंदिर। चलिए आज आपको लेके चलते हैं माई दंतेश्वरी का दर्शन कराने। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बड़े डोंगर और यह है यहाँ का प्रवेश द्वार। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं माई दंतेश्वरी के मुख्य द्वार पर। दोस्तों, आपको माई दंतेश्वरी का मंदिर दिखाई दे रहा होगा और यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट हो जाती है। चलिए आपको ऊपर लेके चलते हैं। दोस्तों, आज रविवार का दिन है इसलिए यहाँ आज मंदिर बंद है। दोस्तों, अंदर माई दंतेश्वरी विराजमान है। आज इस तस्वीर के जरिए आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों, इन पत्थरों पर प्राचीन लेख अंकित है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, ये है नीचे गांव का व्यू, यहाँ से देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों, आपको मुख्य पहाड़ पर ऊपर से बड़े डोंगर का पूरा व्यू पॉइंट आपको दिखाएंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। चलिए ऊपर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर नवरात्रि के समय भक्तों की भीड़ सबसे ज़्यादा लगी होती है माता के दर्शन के लिए। बड़े डोंगर बस्तर अंचल की सबसे पुरानी नगरी है। कहते हैं बड़े डोंगर की पहाड़ियों पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है और ऐसी मान्यता है कि माता का महिषासुर के साथ भीषण संग्राम हुआ था और यहीं पर असुरों का नाश किया था। यहाँ पर संग्राम के कई चिन्ह एवं साक्ष्य आज भी मौजूद है। ऊपर मुख्य पहाड़ी पर माता जी के पग चिन्ह एवं माता जी के शेर के पंजे का निशान आज भी मौजूद है। चलिए आपको ऊपर लेके चलते हैं।
दोस्तों यह प्राकृतिक चमत्कार का ही देन है यह टुनटुनी पत्थर, जिसे कौड़ी टूसा के नाम से भी जानते हैं। यह एक प्रकार का गुल्लक कह सकते हैं, जिसे पत्थर से चोट करने पर सिक्के की आवाज़ जैसी ध्वनि सुनाई देती है। दोस्तों आप लोग भी माई दंतेश्वरी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर एक बार जरूर आएं। दोस्तों युद्ध स्थल ऊपर मुख्य पहाड़ पर है, चलिए आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए लोहे की सीढ़ी बनी हुई है, थोड़ा जब भी आए यहाँ पर आराम से चढ़िए। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितने सुंदर से ध्वज लहरा रहा है। माता जी के पग चिन्ह दर्शन कर भक्त यहाँ माता की चुनरी बांध कर जाते हैं और भक्तों की मनोकामना माता पूरा करती है। दोस्तों यह है माई दंतेश्वरी की पवित्र पग चिन्ह यहाँ पर चिन्हांकित है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ की मान्यताओं और किंवदंतियों के अनुसार माता जी और महिषासुर राक्षस के बीच भीषण संग्राम हुआ था, यह वही युद्ध स्थल है। दोस्तों यहाँ पर माता जी के शेर का पंजे का निशान है। कहते हैं जब बड़े डोंगर को बस्तर की राजधानी बनाया गया, तभी से काकती राजवंश बस्तर के राजा को रत्नपति की उपाधि मिली।
यहाँ पर बहुत सारे प्राचीन तालाब हैं जिनकी संख्या लगभग 140 के आसपास थी, जो घटकर अभी के समय में 60 या 70 के आसपास होंगे। दोस्तों, यह ग्राम चारों तरफ से घने जंगलों के बीच पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ऊपर चढ़कर यहाँ से आप यहाँ का मनमोहक दृश्य का लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से आपको यहाँ का व्यू पॉइंट दिखाते हैं, कितना सुंदर नज़ारा है, देखिए आप लोग भी। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेंगी। जल्द मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर।